श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश सिंधी का 32वां प्रकरण, क्षीर नीर अथवा दूध पानी का निवेदन। क्षीर और नीर माया और ब्रह्म का निरूपण। इसमें 21-24 तक हो गया है। अभी इस 21-24 को दोहराते हैं, फिर 22-24 से आज आगे बढ़ते हैं। यों तिनके पर्वत ढांपिया, यों गज चीटी पाऊं बांधिया। जो जीव करे उजास, तो मन को आगे होए नास। तो मन को आगे होए नास। अब या पर एक कहूं दृष्टांत। तो अभी तक ये तिनके ने कैसे पर्वत को ढांका, चीटी कैसे हाथी को निगल गई है, तो इस तरह की बात बताई, इसका स्पष्टीकरण किया। और उसके बाद और चीटी कैसे हाथी के पाँव, चीटी के पाँव में हाथी कैसे बन गए, तो इसका स्पष्टीकरण कर दिया। तो अब इसके ऊपर एक और दृष्टांत देकर इस रहस्य को समझा रहे हैं, माया और ब्रह्म को, मन और जीव को। मन और जीव, माया और ब्रह्म वैसे ही मिलते जुलते ही हैं। तो इस शरीर में चेतना को प्रभावित करने वाला मन है, मन माया का है। तो चेतना जीव और मन, उसका निरूपण माया और ब्रह्म का निरूपण एक जैसा ही निरूपण है। देखो आपन में वृतांत, स्वयं में वृतांत को देखो। सुख जी के कहे परवान, सुखदेव जी के कहे अनुसार कहें तो, परवान का मतलब उनके निरूपण के आधार पर कहें तो, उनके प्रमाण में, सागर सात सागर को कार्यु निर्वाण निर्माण। उन्होंने सात सागर का निरूपण निकाला। और उसमें कहा भव सागर को नाही छेह। दुनिया में बताए गए सात सागर हैं, उनका तो निरूपण फिर भी हो सकता है, किंतु भव सागर का कोई भी किनार नहीं है। सुख जी यमुख जाहिर कहे, सुखदेव जी ने अपने वाणी में ये स्पष्ट रूप से कहा है। एहले पाँव भरे तुम जेह। तो इसमें ये भी बताया कि जैसे वृंदावन में जाकर श्री कृष्ण जी ने बंसी बजाई, तो बंसी की आवाज सुनते सुनते तो ब्रह्मात्माएं दौड़ पड़ी है। तो इस बात को यहाँ समझा रहे हैं, पहले पाँव भरे तुम जे है, तो पहले तुम जिस प्रकार आगे बढ़े, तो इसका मतलब तो पहले जैसे बंसी का नाद सुनते ही शरीर छूट गया, घर परिवार सब कुछ छूट गया, और सीधा वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी जहाँ पर विराजमान है उस वृंदावन में पहुंच जाती है। कर साचा मूल स्नेह। तो मूल स्नेह, सच्चा स्नेह है, मूल प्रेम, तो वो प्रेम को प्रकट करके तुम सब कुछ छोड़ करके पहुंच गई। सखी बिन सुन ना रही कोई पल। वंशीनाद सुनने के बाद में कोई भी ब्रह्मात्मा एक पल के लिए भी नहीं रुक पाई। देखो यह जीव को बल, ये चेतना का आत्मा का बल है। तो वंशीनाद सुनते ही ब्रह्मात्मा दौड़ गई, उनको ना परिवार रोक सका, ना कोई रोक सका, ना कुछ रोक सका। किसी ने रोकने का प्रयत्न किया तो उन्होंने उसी समय शरीर वहीं छोड़ दिया और वह स्वयं दौड़ पड़ी। तो ऐसा बना है, ये सच्चा स्नेह है। तो इसके हिसाब से तो ये
हो सका। तो ये जीव का बल है, चेतना में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, तो उसके सामने माया के कोई बंधन बंधन रूप नहीं रह सकते। इन आड़ा था मन संसार, तो संसार में व्यवधान रूप है तो मन व्यवधान रूप है, तो उनका मन व्यवधान रूप था तो वहीं के वहीं रह गए, उसको भी छोड़ दिया और वो तो चल पड़े। पर जीवन एक निकस्या वार के पार, तो मन संसार में रुक गया और जीव चेतना तो सब कुछ छोड़ करके आगे निकल गई। देखो पांव जीव ने भरे, तो ये कदम जीव के हैं, जीव ने ऐसा किया। भव सागर ये क्यों न तरे, क्यों कर तरे, तो ये बाकी तो ये चेतना है, चेतना ही ये काम कर सकती है, बाकी तो चेतना को मन प्रभावित करने लग जाएगा तो भव सागर से पार ही नहीं हो सकते। जाको नानिक से निर्माण, जिसका कोई निरूपण कोई माप ही नहीं हो सकता है, निर्माण निर्माण तो इसका कोई माप ही नहीं हो सकता है, तो उसको कैसे कोई हिसाब ही नहीं हो सकता है, कोई निर्णय नहीं कर सकते, ये ऐसा ही है इतना ही है। तो सुखदेव जी की वाणी परवान, तो सुखदेव जी की वाणी को विचार करेंगे तो भवसागर ही इतना बड़ा है जिसका कोई पारावार नहीं। तो ऐसे भवसागर को गोपियां झट छोड़ करके कैसे चली गई, तो इसके लिए यह कह रहे हैं। तो सुखदेव जी ने एक तरफ भवसागर को तो बोला कि इसका कोई पारावार नहीं है, तो दूसरे तरफ तो गोपियां तत्काल सब कुछ छोड़ करके निकल जाती, उनको रोकने वाला कोई नहीं रहा। सो फिर कहो गोपद वच, फिर ये भी कह दिया कि ये भवसागर इतना बड़ा है इसका निरूपण होना मुश्किल है, किंतु गोपियों के लिए तो ये गाय के बछड़े का पैर यदि किसी नरम जमीन में पड़ता हो तो उसमें उसके पैर के खुर का एक खुर की एक निशानी बनती है, तो कभी कभी तो वो नरम मिट्टी हो तो उसके अंदर वो खड्डा जैसा बन जाता है, तो यदि उस खड्डे में पानी भरा भरा हुआ हो तो उसको पार करना हो तो किसको मुश्किल लगेगा, तो बच्चा भी पार करने में हिचकिचाएगा नहीं। तो यो भव सागर हो गयो तुच्छ, इस प्रकार ब्रह्मात्माओं के लिए भव सागर नगण्य सा बना, तुच्छ बना, उनके लिए भव सागर कुछ भी नहीं रहा। किता भी ना दृष्टि आया, उनको तो इतनी भी दृष्टि में नहीं आया भवसागर को, लेकिन यह समझाने के लिए एक उदाहरण दिया है। पर लिखने को नाम धरा आया, बताने के लिए कुछ तो उदाहरण देकर के समझाना पड़ेगा, इसलिए ये गाय के बछड़े के चरण चिन्ह के चिन्ह का उदाहरण देकर समझाया है, बाकी तो ब्रह्मात्माओं को तो इतना भी नहीं दिखाई दिया। भवसागर क्यों एता भया, तो ब्रह्मात्माओं के लिए भवसागर इतना छोटा सा इतना तुच्छ कैसे बना जिसका कोई निरूपण ही नहीं हो सकता था। जो जीव खरे जीवन जी के ग्रया, के चेतना ने अपने स्वामी को पहचान लिया, तो स्वामी की आवाज सुनी, श्री कृष्ण जी की आवाज सुनी, तो चेतना रह नहीं सकी, दौड़ पड़ी। यो मन जीव थे जुदा टल्या, तो इस प्रकार मन है वो चेतना से अलग हो गया, मन वहीं का वहीं रह गया और चेतना आत्मा सीधा दौड़ करके पहुंच गई श्री कृष्ण के चरणों में। तब झूठा मन झूठे में मिलया, माया का मन था बना हुआ तो माया में मिल गया, ब्रह्मात्मा तो दौड़ करके पहुंच गई। खीर नीर देखो विचार, इसी को क्षीर नीर का विवेचन समझना, तो क्षीर का मतलब माया, तो माया वैसे रह जाती है और परमात्मा तक परमात्मा को प्राप्त करने में अड़चन रूप जरूर बनेगी, किंतु जब आत्मा निश्चित करे स्वयं को पहचाने और आगे बढ़े
तो माया माया में जाकर के मिल जाती है, तो फिर चेतना को किसी प्रकार के से असर नहीं कर सकती। खीर नीर देखो विचार, यही क्षीर नीर का विवेचन है। एक धनी दूजा संसार, एक तो परमात्मा है दूसरा संसार है। परमात्मा को क्षीर कहा और संसार को नीर कह दिया। दो वासन में दो जुदे, दोनों को अलग अलग पात्र के रूप में समझ दिया। जो चेतना है वो तो ब्रह्म का अंश है, तो ब्रह्म के तरफ चला गया, उसका मूल ब्रह्म है, और मन है माया का अंश है, तो माया के तरफ चला जाता है। तो यूं नीके कर देखो हृदय, इस प्रकार भली भांति विचार कर लो, हृदय पूर्वक विचार करोगे तो ये बात समझ में आएगी। अंतर्गत बैठे हैं सही सदगुरु धनी, तो मेरे हृदय में बैठ करके ये बात कह रहे हैं। सागर तब ही तूल करे जीव, तो इस बात को यदि समझें तो उसी समय इस सागर को ये जीव, ये चेतना आत्मा, ये आँख के तूल के समान समझ लेगी, इतना भी नहीं उससे भी हल्का समझ लेगी। तब इतही जो वतन पियो पार, तब माया में जागृत होने पर भी माया से परे परम धाम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वतन परम धाम है, तो माया में रहते हुए भी दिखने लग जाएगा। इसलिए सखी भाव भजिए भरतार, जैसे ब्रज की गोपियों ने जिस प्रकार के भाव से श्री कृष्ण से प्रेम किया था, उसी प्रकार के भाव से तुम भी अपने परमात्मा को भजो, इतने प्रेम से उनका स्मरण करो, स्वयं को समर्पित करो। आत्मा महामत है सुर धीर, तो महामति कहते हैं आत्मा तो बड़ा सुर और धीर है। प्रेमे देखाए जुदे खीर नीर, तो प्रेम से तो खीर और नीर दोनों का रहस्य उनको समझा दिया है। तो यहाँ पर तो जीव क्या है और मन क्या है ये समझा दिया, आत्मा और मन में क्या अंतर है, इसी प्रकार ब्रह्म और माया में क्या अंतर है ये समझा दिया है। प्रेमे देखाए जुदे खीर नीर, खीर और नीर को बड़े प्रेम से समझा दिया। अब 33वां प्रकरण जिसको भागवत का सार कहा है, इसकी कुछ चौपाइयां आगे बढ़ाते हैं। सुनियो साथ कहो विचार, ये परमात्मा आप सुनिए, मैं विचार पूर्वक कहता हूँ। फलवस्त जो अपनो सार, अपने लिए जो परमात्माओं के लिए जो सार फल वस्तु समझाई है, वस्तु समझाई है, फल समझाया है, सार कह करके कहा है, उसको थोड़ा सा समझना चाहिए। सोए देख के आओ वतन्ना, इसको समझ करके तुम परम धाम में जागृत हो जाओ। माया अमल से राखो जतन, माया के नशे से स्वयं को बचाओ, जतन करना मतलब बचाना। इन अमल को बड़ो विस्तार, इस माया के नशे का विस्तार है बहुत बड़ा है। सोए देखना नहीं निर्धार, तो सो ये देखना नहीं निर्धारण, तो इसको निश्चित रूप से नहीं देखना है, तो उधर ध्यान नहीं देना है, ब्रह्म के तरफ ही ध्यान देना है। पहले आपन को बर्जी सही, तो पहले सद्गुरु ने हमें बार बार रोका, तो माया मोह के तरफ ध्यान मत लगाओ। श्री मुखवाणी धनिये कही, सद्गुरु धनी ने इन वचनों को बड़े प्रेम से कहा है। तो श्री मुखबानी धनिये कही, तो सदगुरु धनी ने हमें बार बार ये कहा, तुम माया के तरफ में मत जाओ, तुम परम धाम की ओर आगे बढ़ो, इस तरह से बहुत कुछ समझाया। तेरा कारण तुम्हें देखाओ सार, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छी तरह से समझा देना चाहिए वो विस्तार रूप में। मूल वतन के सब प्रकार, परम धाम के सारी रीत भात
इसको तुम्हें समझा दो नहीं समझ पाए। धनी अपनो धनी को विलास, तो परमधाम में तो धनी भी अपने हैं और उनका विलास भी अपना ही है। जिन थे उपजे अखंड हो रास, जिनके कारण तो रास की लीला उत्पन्न हुई, जिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने रास लीला प्रकट करके दिखाई और फिर उसको अक्षर ब्रह्म ने अखंड कर दिया। सुनियो आत्मा के श्रवण, इस रहस्य को आप आत्मा के श्रवण से सुनना। सो नाई जो सुनिए ऊपर के मन, ऐसा मत समझना कि ऊपर के मन से हम सुने, अंदर से आत्मा से सुनने के लिए प्रयत्न करना। वेद को सार कहो भागवत, ये भागवत है, वेद का सार है। ए फल उपजो शास्त्रों के अंत, दूसरे शास्त्रों के अंतिम में तो ये फल आनंद दिलाने के लिए कहा। सो फल सार सुख जी लियो, तो श्रीमद् भागवत का सार ये प्रेम, तो ये तो सुखदेव जी ने ही पहले अनुभव किया। ए फल उपजो शास्त्रों के अंत, ये फल दूसरे शास्त्र बनने के बाद में ये प्रकट हुआ है। सो फल सार जी सुख जी लियो, उस फल का सार सुखदेव जी ने ग्रहण किया है। सींच के अमृत पकव कियो, तो शास्त्र में तो ये कहा है, ये श्रीमद् भागवत है, वैदिक वाङ्मय का ये सार रूप है, तो ऐसा शास्त्र में कहा है। और सुखदेव जी ने उसमें अमृत सींचा है, जैसे श्रीमद् भागवत में कहते हैं, निगम कल्प तरुर गलितम फलम, वैदिक वाङ्मय रूपी कल्प तरु का ये परिपक्व फल है। तो सुख मुकार अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी के मुंह से इसमें अमृत के द्रव्य भी सिंचित किए हैं, तो इनका तो हमें अनुभव करना चाहिए। वेद को सार कहो भागवत, वेद का सार भागवत है। ए फल उपजो शास्त्रों के अंत, दूसरे शास्त्रों का अंतिम में ये उत्पन्न हुआ है। सो फल सार सुख जी लियो, इसका सार फल है सुखदेव जी ने ग्रहण किया। सींच के अमृत पकव कियो, अमृत सींच करके, प्रेम रूपी अमृत, भक्ति रूपी अमृत सींच करके तो इसको परिपक्व बना दिया, तो दुनिया की लीला को। ए फल सार जो भागवत भयो, इसका सार फल है वो श्रीमद् भागवत है। तो इस भागवत में भी सार कह रहे हैं, ए फल सार जो भागवत भयो, ये फल रूप सार भागवत है, उनमें भी सार क्या है। ताको सार दशम स्कंद कहो, तो श्रीमद् भागवत वैसे ही सार है वैदिक वाङ्मय, उसमें भी दसवां स्कंद है, श्रीमद् भागवत का भी सार है। दशम के नब्बे अध्याय, दसवें स्कंद के नब्बे अध्याय है। इनका सार भी जुदा कया, उनका सार वो भी हम स्पष्ट रूप से कह देते हैं। ताको सार अध्याय 35 है, उनका सार है 35वां अध्याय, तो श्रीमद् भागवत का सार माना जाता है 35वां अध्याय। जो ब्रज लीला करी जगदीश है, तो जगदीश का मतलब जगत के स्वामी, अक्षर जगत से अक्षर जगत के स्वामी है। तो हमें से कई लोगों को इस बात का पता नहीं है, तो ये तो यहाँ पर जगदीश का आगे अर्थ भी कह देंगे। तो जगदीश जगत के स्वामी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, परमात्मा ने यहाँ लीला की है, तो उसके लिए आगे समझाते हैं। जगदीश नाम विष्णु का हो, ये जगदीश नाम वैसे तो भगवान विष्णु का है, बाकी यो न कहूँ तो समझे क्यों कोई, यदि इस बात को न कहूँ स्पष्ट न करो तो कोई समझ नहीं पाएगा। सो फल सार सुख जी लियो, तो ये सार रूप फल सुखदेव जी ने ग्रहण किया, वैदिक वाङ्मय का सार रूप फल, और उसमें
प्रेम भक्ति का अमृत सींच दिया, सींच के अमृता पकव कियो, फिर उसको परिपक्व बना दिया। ये फल सार जो भागवत भयो, ये भागवत जो वैदिक वाङ्मय का सार है, ताको सार दसम स्कंद कयो, उसका सार ये दसम स्कंद बताया है। दसम के 90 अध्याय, दसम स्कंद के विस्तार में के 90 अध्याय, 90 अध्याय हैं, ये दसम स्कंद के विस्तार हैं। तिनका सार भी जुदा कया, उनका सार भी अलग समझाया है। ताको सार अध्याय 35, तो दसम स्कंद में 90 अध्याय में भी 35 अध्याय उनका सार है। जो ब्रज लीला करी जगदीश, इन 35 अध्याय में श्री कृष्ण जी की लीलाएं बताई गई है, ब्रज और रास की लीला है। उनमें जो ब्रज की लीला है वो 29 अध्याय तक किया है, और बाकी 5 अध्याय में रास की लीला समझाई है। तो अब यहाँ पर जगदीश का अर्थ समझा रहे हैं। जगदीश नाम विष्णु का होए, वैसे तो जगदीश कह करके दुनिया भगवान विष्णु को समझती है। यो न कहूँ तो समझे क्यों कोए, यदि ये बात न कहूँ तो किसी को भी भगवान विष्णु को समझने में मुश्किल हो जाती है, इसलिए तो यहाँ पर ये कहना पड़ रहा है। तो ऐसा कहते हैं, ये जो प्रेम लीला श्री कृष्ण जी ये कई, ये प्रेम लीला श्री कृष्ण जी ने की है। सो गोपन में गोपियों चित्त धरी, तो वो गोप वंश की गोपियों ने इसको चित्त में धारण किया। तो दूसरे लोगों ने धारण नहीं किया लीला, तो उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी लाभ लिया, किंतु गोपियों ने इसको अपने अंतःकरण में हमेशा के लिए धारण कर दिया। ए ब्रह्म लीला भाई जो दोए, तो यहाँ पर ब्रह्म लीला दो प्रकार की हुई है, ब्रज लीला रास लीला सोए, उसको ब्रज लीला और रास लीला समझाया है। तामे 30 अध्याय हम, तामे 30 अध्याय जो बाल चरित्र ये ब्रह्म लीला उत्तम पवित्र, इसमें ब्रज लीला बताई है, ये ब्रज लीला उत्तम लीला कही है। पंच अध्यायी ताको सार, तो इन 35 में भी 30 अध्याय में इसमें ब्रज लीला बताया है, और 5 अध्याय में रास लीला है। किशोर लीला योग माया विस्तार, तो इसमें 5 अध्याय में योग माया का विस्तार और किशोर लीला की बात कही है। ब्रज लीला को जो ब्रह्मांड, तो ब्रज लीला का जो ब्रह्मांड है काल माया का, रात दिन जित हुए अखंड, उसमें रात और दिन दोनों की लीला है, रात की लीला भी दिन की लीला दोनों ही अखंड होती थी। योग माया जो लीला रास, योग माया के द्वारा जो रास लीला की है, रात अखंड सब चेतन विलास, तो उसमें अखंड रात्रि की बात कही है, उसमें सब आत्माओं ने विलास किया। ये लीला सुखे आवेश में कही, ये लीला सुखदेव जी ने आवेश में बताई है। राजा परीक्षिते सही न गई, राजा परीक्षित के द्वारा वो बात सहन नहीं हुई। ये लीला क्यों सही जाए, तो परीक्षित के द्वारा इस रहस्य को कैसे ग्रहण किया जा सकता। वैकुंठ को अधिकारी राय, राजा परीक्षित स्वयं वैकुंठ के सुख प्राप्त करने के अधिकारी हैं, तो वो परमधाम के सुख कैसे प्राप्त कर सकते। सुख के अंग हो उल्लास, सुखदेव जी के मुखारविंद से जो वाणी बताई गई है, तो ये तो परीक्षित के प्रश्न के बाद बताना ठप हो गया, किंतु जो कुछ उन्होंने सुना इसका चिंतन किया, तो उनके वो भी अंतर से आनंदित हुए हैं। जानो वर्णन करूंगो रास, उनको लगा भले परीक्षित ने प्रश्न परीक्षित को पहले बोला था प्रश्न मत करना, तो मैं रास का वर्णन करूंगा, उनको मन में ये दृढ़ निश्चय था।
या समय प्रश्न कियो राजन। तो इसी बीच राजन परीक्षित ने प्रश्न पूछा, सुख को जोश दियो तिन भान। तो उस प्रश्न के द्वारा सुखदेव जी का जोश शांत हो गया, टूटा गया। प्रश्न चूक्यो भयो अजान। तो प्रश्न जो भी उत्तर प्रश्न तो कह दिया, लेकिन उसका उत्तर वो कहना वो चुक गए। रासलीला न वर्णवे प्रमाण, इसलिए रासलीला का वर्णन नहीं हो सका। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया तो फिर वो सुखदेव जी जो अंदर से उनको कोई शक्ति कह रही थी वो चली जाती है, तो ऐसा होता है। रासलीला न वर्णवी परवान, तो इसलिए रासलीला का वर्णन नहीं हुआ। अभी के प्रश्न को यही रखते हैं। या समय प्रश्न कियो राजन, सुख को जो सदियो भान। सुख को जो सदियो तिन भान, प्रश्न चूक्यो भयो अजान। रासलीला न वर्णवी परवान, रासलीला न वर्णवी परवान। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।